टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में जामिया और जेएनयू के बाद एक स्टूडेंट कलेक्टिव ने यह कहा कि वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो कि देश में बैन की गई है वो दिखाने वाले हैं। इस वक्त टिस के बाहर हम खड़े हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे जो फैसला सामने आया। हमने देखा कि जामिया में क्या हुआ, जेएनयू में क्या हुआ, उसके बाद टिस में कल डॉक्यूमेंट्री दिखाना है, स्टूडेंट कलेक्टिव का ये फैसला है। एज अ टिस स्टूडेंट आप क्या कहना चाहेंगे? ये पहली बात तो ये कि तथ्य गलत है कि स्टूडेंट कलेक्टिव का फैसला है। ये कुछ लोग जिन्हें समूचे भारत जिस विचारधारा को नकार चुका है, वो विचारधारा के कुछ लोगों का है कि उन्हें डॉक्यूमेंट्री बताना है, लेकिन टिस में अभी इसके रिलेटेड कोई परमिशन नहीं हुई है क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य ये भी हो सकता है कि इन्हें कैंपस का माहौल बिगाड़ना हो, क्योंकि भारत की उच्च शिक्षित संस्थानों में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस गिना जाता है, जहां अपने एक प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी के लिए पूरे देश में जाना जाता है। अब भारत के एक शैक्षणिक संस्थान जिसमें जेएनयू, जहां पे जिस डॉक्यूमेंट्री जो भारत में बैन है, जिसके ऊपर ब्रिटिश संसद खुद ब्रिटिश सांसद में उनके सांसद खेत जा चुके हैं, जो खुद एक भारत की स्वतंत्र संवैधानिक एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है, उन एजेंसियों द्वारा बैन की गई एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर देश में बवाल खड़ा करने की उन विशुद्ध मानसिकता का भी प्रभाव बताता है कि उन्हें केवल ना कि एक भारत की अखंडता को अक्षुण रखना चाहते हैं, बाकी उसमें नए नए तथ्य ला के उसे बार बार खंडित करना चाह रहे हैं। क्या नाम आपका? रविंद्र शर्मा। मैं रविंद्र शर्मा, मास्टर ऑफ सोशल वर्क का छात्र हूँ। आपका ये कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखानी चाहिए, जो प्लान जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन नहीं की जानी चाहिए, है ना? मुख्य बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट्री जो भारत में जो संवैधानिक न्याय एजेंसियां हैं, जो इस बात को तथ्य जांच परख करती सेंसर बोर्ड है, उनने अगर भारत में उसको बैन कर रखा है तो उसको दिखाने का तार्किक अध्याय निकलता क्या है? इसलिए मैं चाहता हूं अगर भारत की संवैधानिक एजेंसियां उसके पक्ष में फैसला लेती है कि नहीं बताना चाहिए, तो उसका स्क्रीन नहीं यहां पर नहीं होना चाहिए। क्या नाम आपका? दिवान शर्मा। आपसे जानना चाहेंगे, उन्होंने जो लेटर लिखा है जो स्टूडेंट कलेक्टिव ने जो उनका, तो उन्होंने ये कहा कि क्लासरूम में हमको डिसेंट के बारे में सिखाया जाता है, डिबेट के बारे में सिखाया जाता है, तो ये पिक्चर को डॉक्यूमेंट्री को दिखाकर इसे डिस्कस करना चाहिए, तो एज अ एकेडमिक स्टूडेंट इस पर आपका क्या पॉइंट है? ओके, मैं बेसिकली लॉ का छात्र हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 91 कहता है कि ठीक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, बट एक बात ये भी आप सोचिए ना कि एक्सेप्शन भी होते हैं कुछ कुछ, वहां पर नेशनल सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, अगर आपको ऐसी कोई मूवी दिखा रहे जिससे जिसके थ्रू बाकी लोगों के अंदर गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, दंगे होने के तरीके हो सकते हैं, तो उस चीज को बेटर है कि अच्छी तरीके से हैंडल किया जाए। हाँ, हैंडल करने के तरीके हल्के से अग्रेसिव हैं, बट इसको अगर काफी जगह आप देख रहे हैं अग्रेशन उजागृत हो रहा है, काफी लोग गुस्सा रहे हैं, तो बेटर है कि इसको इतनी बड़ी चीज ना बनाया जाए, एक बार ढंग से देखा जाए कि भाई क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीजें नहीं है, और ढंग से उन फैक्ट्स को लाया जाए, क्योंकि एक्विटल तो मिल चुका है ना सुप्रीम कोर्ट से मोदी जी को, तो फिर इस चीज को एक बार यहाँ पर रेदर देन ऑन रिसर्च और डिबेट के लिए, यहाँ पे मुद्दा डिबेट का है ही नहीं, यहाँ पे मुद्दा है कि भाई ये चीज दिखाई जाए और उस चीज को एक बार सोचना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। लोग जो सामने आए, कुल मिलाकर ये है कि डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखानी चाहिए, और जो जो कैंपस का माहौल है, जैसे कि नोटिस में भी लिखा हुआ है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है कैंपस की वो बरकरार रहे, अगर उसके बावजूद भी डॉक्यूमेंट्री दिखाने का प्रयत्न होता है तो क्या करें? अगर उसके बाद ही प्रयत्न होता है तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अशांति के, उसको संभालने की तैयारी भी होनी चाहिए कि काफी लोग भड़के ना उस चीज को देखकर, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि वहां पे ऐसी कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। सभी का भी यही पॉइंट है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मेरे हिसाब से नन ऑफ द डिटेल्स ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्री वो फैब्रिकेटेड, तो जो जैसा है वैसा ही दिखाया जा रहा है, तो अगर इफ इट इज समवन ऑन सच अ हाई लेवल दैट इज बीइंग यू नो शोन इन द डॉक्यूमेंट्री, आई थिंक हर किसी को उसकी जानकारी होनी चाहिए, हर किसी को वो डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए, क्योंकि तभी तो हम समझ पाएंगे व्हाट इज गोइंग ऑन। अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है, क्योंकि वो जब जैसे ही स्क्रैप आउट कर दी गई, तो अगर ऐसी स्क्रीनिंग हो रही है जहां से हमको नॉलेज मिल सके कि एक्चुअली हुआ क्या था, तो व्हाई नॉट, सच तो जानना चाहिए ना। अभी क्या नाम आपका? पलक श्रीवास्तव। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बैन की गई है, तो आपको लगता नहीं मतलब कि कहीं ना कहीं गाइडलाइंस के हिसाब से या इलीगल एक्टिविटी वो हो जाती है उस चीज को कैंपस में दिखाना, तो आपको लगता नहीं है कि ये एक तरह से गलत मैसेज देता है कि स्टूडेंट्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे? मैं ये नहीं मानती कि स्टूडेंट्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे, आई थिंक स्टूडेंट्स दे हैव द राइट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन, दे हैव द राइट टू नो व्हाट द रियलिटी इज, तो अगर हम हम एक फैब्रिकेटेड इमेज बना के रख दें नहीं सब अच्छा है ये, तो वो तो कैसे चलेगा? तो आई डोंट थिंक, अगर वो, और आई थिंक डीप डाउन वी ऑल नो कि वो बैन क्यों की गई है, तो इफ कोई स्क्रीनिंग हो रही है तो आई थिंक आई वुड बी द वन हु विल अटेंड दैट स्क्रीनिंग फॉर श्योर। पॉइंट ऑफ व्यू आप बताइए। मैं पलक जी से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट में बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। जहाँ पे मैम ने कौन से पॉइंट पे सहमत है जी, मैं पहले सहमत हूँ कि किसी बात का डिबेट हेल्दी डिबेट होना चाहिए,
लेकिन सिस्टम हमेशा से एक सिस्टम होता है, आप कहीं चैनलाइज करते हैं, कोई सिस्टम के थ्रू आप आते हैं और डिबेट करते हैं। पहली बात, ये बैन हमारी गवर्नमेंट ने किया है, और जब भी हम अपनी प्रस्तावना प्रियम्बल को पढ़ते हैं, ये हम बिल्कुल सॉवरेन कंट्री हैं, रिपब्लिक कंट्री हैं, जहाँ पे पूरा अधिकार है हमें अपने पॉलिसीज के बारे में, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में करने का। हम अपने सरकार को अपने से चुनते हैं, ये हमारी अधिकार है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे एक फॉरेन एंटिटी जो आती है वो डिसाइड करती है कि हमारा इमेज कैसे होगा। थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं पीछे, हम देखेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में उन्होंने वही सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, बोली थी कि आप लोग को अलग अलग रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन उनका एजेंडा ये नहीं था कि रिजर्वेशन देने का, उनको तोड़ने का था, अलग करने का था। और हमारी कंट्री में जिस तरह के डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं, बहुत आसान है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। और जब हमारी सरकार किसी चीज़ को बैन कर रही है, हमारी एजेंसीज किसी चीज़ को बोल रही है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, ये एक हमारा घर है और हमारी प्रॉब्लम्स को हम बैठ के समझाने के लिए कैपेबल हैं, हम बैठेंगे और सुलझा लेंगे, बाहरी की इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। और इसके लिए हम बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मैं इसको पूरी तरह से कंडेम करता हूं और मैं सरकार के साथ हूं। आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्योंकि बीबीसी द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाई गई तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एक उसमें वो है, उससे उसकी क्रेडिबिलिटी कम होती है, बिल्कुल कम होती है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे कैंपस में होना चाहिए, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू के स्टूडेंट्स हैं और एक तरह से ऑन रिकॉर्ड इंस्टीट्यूट ने परमिशन नकार दी है, कल स्क्रीनिंग होनी थी, आगे क्या होता है ये आप कहते हैं समय के साथ ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन वैभव कनगुड़कर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।